हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को जिन्होंने बीए और एमए किया है उसको क्रमशः 5,000-7,000 देने का निर्णय लिया है, प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। ये राशि ये जो हम लोग सहयोग राशि दे रहे हैं ये सहयोग राशि ही रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। ये एक सहयोग राशि के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में कहीं पर भी अपना फॉर्म भरने के लिए आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। कई लोगों का सवाल भी है कि सरकार ने 3 लाख रुपए का आवास देने का घोषणा किया, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने जो वित्तीय प्रबंधन हमारे जिम्मे सौंपा है इस परिस्थिति में भी हमने कई साहसिक कदम उठाए हैं, सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आने वाला समय में 3 लाख के आवास तक के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे, हम ये आप लोग को आश्वस्त करेंगे। अभी तो 50,000 ही हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, हो सकता है कि आने वाला समय में 1 लाख रुपए और उसमें जुड़े, 1.5 लाख रुपए और जुड़े। हमारी सरकार के तंत्र इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना चलाई जाएंगी। आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले मैं गोड्डा जिले के एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर भी हम लोगों ने इस बार लगभग उस जिले के लिए 5 से 6 डॉक्टर मुझे जो याद है जो हम लोगों ने नियुक्तियां दी है। तो ऐसे कई प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से डॉक्टरों की कमी को हम लोग पूरा कर सकें। हमारे राज्य में खोले गए मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए इसकी भी कार्य योजना तैयार की जा रही है।